हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1 लीटर दूध में बहुत सारी आइसक्रीम जिसको आप पूरे परिवार को खिला सकते हो। तो इसमें हम सिर्फ 1 लीटर दूध और एक चीज इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा ना कोई कस्टर्ड पाउडर और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बहुत ही ज्यादा क्रीमी, सॉफ्ट, स्मूथ ये आइसक्रीम घर पर बनकर रेडी होती है बिना बर्फ जमे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इसे जरूर घर पर ट्राई करें। और अगर आपको जरा सा भी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले ये हमने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है, इसको हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो जब भी आप आइसक्रीम के लिए दूध ले रहे तो वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का गाढ़ा दूध ही लें। इसमें हम उबाल आने देंगे। तो ये देखिए, दूध में हमारा उबाल आ गया है। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर देना है और मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। अगर आपको लगेगा कि दूध थोड़ा बाहर निकल रहा है तो इस तरीके से आप चम्मच से इसको चला सकते हैं, जैसे कि दूध उबल के बाहर ना आए। एक बर्तन में हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। इसमें हम दूध थोड़ा सा डालेंगे और इसको हमें घोल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो दूध हमने पकाने के लिए रखा था ना, उसी में से हमने थोड़ा सा दूध निकाल लिया था। दूध बिल्कुल भी पानी वाला या फिर जो मलाई निकल के दूध बचता है ना, वैसा दूध हमें इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि अगर दूध पतला होगा ना तो उसी से जो हमारी कुल्फी या आइसक्रीम होती है ना, उसमें आइस क्रिस्टल बन जाते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये कॉर्नफ्लोर को हमने एकदम अच्छे से घोल लिया है, ये देख सकते हैं। तो दूध को हमने 5 मिनट पका लिया है, जिससे कि दूध है ना हमारा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और ये देखिए, एकदम मलाईदार ये हमारा दूध बन चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे। जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल बना के रखा है उसको हम इसमें डालेंगे। डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रखें, कॉर्नफ्लोर डालते वक्त हमें गैस को एकदम लो पे रखना है ताकि इसकी गुठलियां ना बने, और इसको अच्छे से हमें इसमें मिक्स करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिना कॉर्नफ्लोर या किसी भी आटे वगैरह की आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, यानी कि हेल्दी कुल्फी आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, तो इसकी रेसिपी भी हम अपने चैनल पे शेयर कर चुके हैं। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी है। और चाहे तो इसको भी बना सकते हैं, ये भी बहुत ही टेस्टी बनती है। ये हमने लिया है 3/4 कप चीनी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मीठा आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, अगर ज्यादा मीठा पसंद करते हो तो चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को दोबारा मीडियम पे कर देंगे और थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। तो थोड़ी देर इसको हमने और पका लिया है और ये देखिए, काफी ये जो हमारे दूध है ना वो गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, आपको इसके निशाने भी दिखाते हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आपका दूध हो जाए ना तो इसका मतलब समझ लिया कि आपका दूध एकदम परफेक्ट गाढ़ा हो गया है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसको पहले हम ठंडा होने देंगे और अभी हमें और भी चीज इसमें ऐड करनी है। तो ये दूध को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है, देखिए ठंडा होने के बाद कितना ज्यादा ये गाढ़ा और एकदम क्रीमी हो गया है। तो अब इसमें जो हमारी जो एक सीक्रेट चीज हमें ऐड करनी थी वो हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने ली है 3 दिन की मलाई, 1 कटोरी ये मलाई हमने ली है 3 दिन की मलाई। आप जितनी भी लेना, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि मलाई खराब नहीं होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम ना कोई व्हिप्ड क्रीम का इस्तेमाल कर रहे है, ना ही मिल्क पाउडर या फिर मावे का इस्तेमाल कर रहे है, इसलिए घर की मलाई का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे है। क्योंकि घर की मलाई जो होती है हर किसी घर में निकलती है इतनी मलाई, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो हमारी आइसक्रीम है वो बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बहुत ही ज्यादा मलाईदार बनेगी। मिक्स कर लेना है हमें इसे। तो मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच वनीला एसेंस। तो वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम बना रहे हैं इसलिए वनीला एसेंस डाल रहे हैं। अगर आप कोई और फ्लेवर पसंद करते हो तो आप उस फ्लेवर का एसेंस इसमें डाल सकते हो। अब ये हमने मिक्सर जार लिया है, इसमें हम इसको डाल देंगे। इसे हम मिक्सर में चर्न कर लेंगे। तो इसको हमने मिक्सर में 1 मिनट चर्न कर लिया है और ये देखिए, चर्न करने के बाद कितना ज्यादा ये क्रीमी मलाईदार ये हो गया है हमारा बैटर। तो ध्यान रखिए, आप जब भी इसको मिक्सर में चर्न करें तो लगातार एक साथ नहीं करना है, रुक रुक के करना है, क्योंकि जो ये मिक्सर जा रहा है ना वो गर्म नहीं होना चाहिए। तो अब इसको हम ढक देंगे और इसे हमें 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख लेना है, मिक्सर जार में ही रखेंगे। तो 1 घंटे हमने इसको फ्रीजर में रख दिया था और ये आइसक्रीम देखिए कितनी ज्यादा क्रीमी हो गई है, जमना शुरू हो गई है 1 ही घंटे में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गाढ़ी है इसलिए। तो इसको हम दोबारा चर्न करेंगे, लेकिन अब हमें 2 मिनट इसे चर्न करना है और ध्यान रखें सेम वैसे ही करना है, रुक रुक के ही मिक्सर को चलाना है, एकदम तेजी से नहीं चलाना है। तो 2 मिनट हमने इसको चर्न कर लिया है और ये देखिए, इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा क्रीमी हो गया है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गई है आइसक्रीम हमारी। तो अब इसको हम सेट करने के लिए रखेंगे। अभी हमने एक डिब्बा लिया है, इसमें हम इसको डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम फॉइल को लगा देंगे
अच्छे से इसको कवर कर लेना है हमें। आप चाहे तो पॉलिथीन भी लगा सकते हैं। ढक्कन को लगा देना है हमें, इसे अच्छे से कवर करना है ताकि इसमें अंदर से बर्फ ना जमे। तो इसको हम ओवरनाइट रख देंगे सेट होने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आइसक्रीम जब बनती है ना घर पे तो किसी को वेट नहीं होता है, तो अगर आप रात को बना के रखते हैं तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सुबह निकाले और खाइए और आइसक्रीम रात भर में अच्छे से सेट भी हो जाती है। बाकी अगर आप दिन में बना रहे हैं तो दिन में भी आप इसे अच्छे से सेट कर सकते हो। तो ये हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर थोड़ा बच गया है, तो ये छोटी छोटी हमने दो डिब्बी ली है, इसमें हम इसको डाल देंगे। इसके ऊपर भी सेम हमें वैसे ही फॉइल को अच्छे से कवर कर लेना है और इसका ढक्कन लगा देंगे। तो इसको भी हम फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। तो फ्रीजर में हमने इसको रात भर के लिए रख दिया था, अब इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तो अब इसका हम स्कूप निकाल लेंगे आइसक्रीम का, तो देख सकते कितना स्मूथली ये निकल रहा है और बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं हुआ है। तो इसको हम कटोरी में निकाल लेंगे और देख सकते बहुत ही ज्यादा स्मूथली ये निकल के आ रही है। तो ये वनीला आइसक्रीम हमारी बनकर रेडी हो गई है, देखा आपने, बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हुई है। अब इसको हम पिस्ता से गार्निश कर लेंगे, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालेंगे। तो ये डिब्बी में जो हमने आइसक्रीम जमा के रखी थी, देख सकते हैं वो भी बहुत ही अच्छे से हमारी सेट हो गई है। तो देखा आपने फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये हमारी वनीला आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है और बहुत ही अच्छे से एकदम क्रीमी बनी है। ये देखिए है ना एकदम क्रीमी, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एकदम सॉफ्ट एकदम स्मूथ ये हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी जरा सी पसंद आई तो प्लीज इस लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटी पे क्लिक करना ना भूले। अब आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अब तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।